शरद पवार ने शुक्रवार को वाईबी चौहान सेंटर में अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय और इन सभी मांगों पर विचार करते हुए मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है। भले ही मैं यह फैसला वापस ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूँगा। शरद पवार ने कहा कि मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने राजनीतिक जीवन में 66 साल पूरे कर लिया है। इतनी लंबी पारी के बाद आराम करना चाहता था। मेरे निर्णय की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं और लोगों में असंतोष की प्रतिक्रिया हुई। मेरे सलाहकारों ने कहा कि मुझे इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मेरे समर्थक और मार्गदर्शक मुझसे अपना निर्णय वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे। साथ ही पूरे भारत और महाराष्ट्र के राजनेता मुझसे मेरा निर्णय वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय और इन सभी मांगों पर विचार करते हुए मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है। भले ही मैं ये फैसला वापस ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि पार्टी में अब नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूँगा। सदन सचिव मुद्दे से एक तरह एकंदर देशाचं चित्र आहे। या पार्श्वभूमीवर समविचारी लोकांना एकत्रित आणण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत महत्वाची असते। ज्याच्यामध्ये व्यक्तिशामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांची सलोख्याचे संबंध असल्यामुळं यात लक्ष देण्याच्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे असं अनेक सहकाऱ्यांनी, विशेषतः अन्य राजकीय पक्षाच्या सहकाऱ्यांनी व्यक्त केली। त्याच्यामध्ये काँग्रेसचे राहुल गांधी असतील, त्याच्यामध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे सीताराम येचुरी असतील, असे अनेक नावं सांगतो की या सगळ्यांची या अँगलनी लक्ष देण्याच्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे असं मला सांगितले। पत्रकार परिषदेत सगळे असतात कधी, आणि आमचे बाकीचे सहकारी आहेत याचंही मला आश्चर्य होतं, कारण सहसा पत्रकार परिषदेमध्ये पक्षाचं संबंध नेतृत्वाची होळी कधी होत नाही। आणि आज ज्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी मला येऊन एक तर त्यांनी बैठक घेतली आणि असं सांगितलं, त्यांनी ठराव केला म्हणून सांगितलं, त्या ठरावामध्ये मी माझा निर्णय बदलावा अशा प्रकारचा आग्रह सूचित केला आणि तो माझ्या पोचवण्याचं काम जसं पक्षाचे अध्यक्ष। NBC News के लिए अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।